समझे, जब से यहाँ औरतें बेकार हो गई, बेकार हो गया सब, सब औरतें बेकार हो गई, जमान जान लग बेकार हो गई, औरतें बेकार हो गई, बेकार हो गई, जब से यहाँ बेकार औरतें का भी खराब हो गई, औरतें तो सब, अरे चाची खराब हो गई, आदमी आदमी तो मालूम है जूते से मारे जा रहे हैं, यहाँ फ्री चाहिए, खाओ मत, मेहनत मत करो, बस ये करो, अरे जाओ पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा, चलो मैं दिलवाता हूँ 15,000, 20,000, 25,000 नौकरी, किसको चाहिए बताओ, सोनिया गांधी जिताओगे तो किसको जिताओगे, अरविंद केजरीवाल को, सब कुछ बंद करा लो, गोश्त बंद करा लो, सब बंद करा, चमड़ा बंद करा, सब बंद करा, ये गांध बंद करा रहे हो, आधार कार्ड दिखा दे, भारत माता की जय, दिखा दे भारत माता की जय, ये चोर बाजार बहुत चला, दारू बंद करा दो, हाँ जैसे बंद भया है नेपाल, हाँ दारू जो एक बंद कराओ, सब चीज बंद करा रहे, ये दारू कहाँ बंद करा रहे हो, क्या बंद करवा रहे हैं, अरे दारू बंद कराओ, हाँ आपका बंद कर, सब चीज बंद कराए ना, धंधा बंद कराए ना, हाँ सब चीज बंद करा लो, गोश्त बंद करा लो, सब बंद करा, चमड़ा बंद करा, सब बंद करा, ये कहाँ बंद करा रहे हो, गोश्त बंद हो रहा है, सब बंद हो गया, अरे बंद हो गया, पैसा दे के चालू हो रहा है, पैसा दे के चालू हो रहा है, हाँ कहाँ पे गा, अरे जहाँ देखो देखो जा बनारस जा देखो, मदनपुर जाकर बड़ी बाजार जो वहाँ देखो, दिल्ली में कहा दे, दिल्ली में नहीं देख रहे हो, पैसा दे रहा है, पैसा पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, चालू हो रहा है, शांत हो जाए, अरे कहाँ शांत हो, गरीबी में सबको हो रहा है, जो आदमी जो कमा रहा है वो भी कह रहा गरीब है, जो करोड़पति कह रहा हम भी गरीब हो गए, मांगे वाले सब सब तो हो गए, मांगे वाले सब हो गए, किसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे जो बैठा यही की वजह से, बीजेपी की वजह से, अरे जो अरे जो बैठा वही आप कौन बैठा है, कौन कह की राज चल रही है, आपको नहीं मालूम है, मालूम नहीं आप कह की राज बोलने में कहा, अरे बोलते रहे बोलते, जब से बैठे जब तो गरीबी ज्यादा हो रहा है, गरीबी ज्यादा हो गया, बहुत गरीबी ज्यादा हो गया, अच्छा अब कांग्रेस बहुत गरीबी, कांग्रेस के जमाना में आदित्य बिरला रहे, अरे बात नहीं, कांग्रेस जमाना में आप हो रहे, अरे चाचा जी, अरे क्या है ना, फ्री मिलता नहीं है, यहाँ फ्री चाहिए, खाओ मत, मेहनत मत करो, बस ये करो, ये करो, दोस्त बंद करो, क्या ना इसका मतलब, देखो धंधा कहा वो है, पहले लिखे वाले झाड़ू लगा दे, पहले लिखा झाड़ू लगा दे, कहाँ सबके नौकरी, पैसा नहीं निकल रहा, नौकरी में पैसा नहीं निकल रहा, नौकरी में पैसा नहीं निकल रहा, नौकरी में पैसा नहीं निकल रहा, नहीं चिल्लाओ, उम्र बहुत हो गई, नौकरी में पैसा निकालने रहा, ये तो अभी बैठेंगे अपन चाहे जैसे सास बैठे, हमें कहे के मालूम है, जब से बैठे तो बैठे 100 साल, कहीं ना 50 साल, हमको 100 साल बैठा, बस ठीक है, वो तो मालूम हो जाएगा इनके, अरे तो आपके मालूम हो जाएगा, कहाँ हो रहा, कौन सा हिंदू, कौन सा मतलब कहाँ हो रहा, अरे है तो हिंदुस्तान में, कहाँ के रहने वाले, ठीक है, हाँ बनारस का है, रात कार्ड दिखा दे, रात आधार कार्ड दिखा दे, भारत माता की जय, दिखा दे, भारत माता की जय, ये कोई जबली है का, ये कोई जबली है का, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो जबरदस्ती है क्या, कोई चाचा, अच्छे भैया एक मिनट, आपने बोला भारत माता की जय बोलो, ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि किसी मुस्लिम भाई को, मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई को जबरदस्ती रोक के मार के पीट के कि बोल अल्लाह ऊपर, आज तक सुना होगा आपने, कभी सुना, मगर अब टोपी देख रहे ईमान को जला रो, क्या ये भाई, क्या हम इस चीज का पक्ष नहीं करते, हमने इनसे खुद बोल दिया कि जिसकी जो इच्छा भारत माता की जय बोलनी है बोलो, लोकतांत्रिक देश है, आपकी इच्छा बोलो या मत बोलो, मगर एक सवाल आपसे ये है चाचा, थोड़ा शांति रखिए, बोलेंगे ना बहुत उम्र हो गया है, जहाँ तक बोलेंगे हमें कहे के मतलब है, जब बीजेपी सरकार काम कर रही नहीं, क्या काम कर रही, दिखाइए क्या काम, दिखाइए हमें, हाँ दिखाइए हमें, कौन सी सरकार आएगी जो काम करेगी, आप आपको बिगाड़ दिया, कोई सरकार कोई काम नहीं करेगा भैया, कांग्रेस आएगी काम करेगी, कोई अब ऐसे रहने से नहीं होगा भैया, इनको काम से दिक्कत नहीं है, इनको खाली दिक्कत है मोदी से, क्योंकि दो ही मीडिया और दो ही व्यक्ति होते, एक मोदी विरोधी एक मोदी समर्थन, तो इनको मोदी से दिक्कत है, जबकि चचा जान के लिए मैं एक अच्छी जानकारी दे दूं कि मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है उज्ज्वला योजना,
और मैं आपको इस चीज पे प्रमाणित दिखा सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ। आप किसी गैस एजेंसी के जाइए, उसमें 99% वाली मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है गैस का कनेक्शन, जो कि फ्री में है। जैसे दमा की बीमारी नहीं हो रही महिलाओं के लिए। देखिए, आप अस्पताल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह मोदी जो उनके योजना है ना, वो मिल रहा है सबको। ये तो इनकी क्या है, सोची भाई, ये क्या करेंगे। और चचा जान हमसे समझदार हैं, बड़े हैं, इनको ज्यादा ना सरकारें बहुत देखी है। पहले जाइए हराय सराय नैसरा दमंडी मदमपुरा, वहाँ पर जाकर पता लगाओ कि कमाई कितनी है सबकी, मकान कहाँ से बना, ये सब छापन करी ना। कह रहे ढाई ढाई लाख रुपया दे रहे हैं, ढाई लाख रुपया दे रहे हैं घर बनाने को। कौन दे रहे, कह के दे रहे, बीजेपी सरकार ढाई ढाई लाख रुपया कह के दे रहे, ढाई ढाई लाख रुपया बताओ, दिखाओ हमें, दिखाओ वही जितनी जमीन में ढाई लाख बना लो और मोहर लगा दिन, अब बेच नहीं सकते, ये कोई बात है, बेच नहीं सकते आप, हाँ ढाई लाख में बने या ना बने, हैं ये कोई बात तो नहीं भाई। हम कह रहे हैं जो हराय सराय में जो फ्री का दे दे सरकार, खाओ पियो मौज करो, समझे बात नहीं समझे, फिर बात नहीं समझे, बात नहीं समझे, हम कहे कि मैं फ्री में मत दो, ये मतलब जैसे कहते हैं ये धंधा कहाँ से हो रहा है, पूछते धंधा कहाँ से, हमें टेस्ट चाहिए, ठीक है ना, टेस्ट करिए ना, जो हराय सराय बनारस नहीं, बनारस बनारस वहाँ जाकर पूछो कि तुम्हारी कमाई कितनी है। पान वाले से एक बार हम पान खाए थे, पूछे थे कमाई कितना बता रहे, 2000 रुपए कमाते हैं। नहीं, कमाई कितनी है जो तुम मकान बना रहे, और हम गरीब बेचारे माँ मांगे एक चोरनी भर जमीन नहीं ले पा रहे, और साथ साथ बनते चला जा रहा, साथ साथ बनते, कितनी कमाई है भैया, कैसे कमाई है। आपके बच्चे होंगे, अरे ठीक है, आपके बच्चे होंगे, खैर आपसे तो मेरे को ये सवाल नहीं करने चाहिए, आपके बच्चे होंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं। गलत कर रहा है, जब से आए हैं घर में बंटवारा हो गया, भाई भाई में टेंशन हो गया, मोदी करवा दिए, तो फिर कौन करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं, जब जब अभी जब कमाई नहीं होगा, जब कमाई नहीं, जब से आए हैं, समझो समझे, जब से आए औरतें बेकार हो गई, बेकार हो गया सब, औरतें बेकार हो गई, जमान जान लग बेकार हो गई, औरतें बेकार हो गई, बेकार हो गई, जब से आए बेकार औरतें की भी खराब हो गई, औरतें तो सब, अरे चाची खराब हो गई, आदमी आदमी तो मालूम है जूते से मारे जा रहे, आदमी का ये कोई पिटता है, अरे ये सब छाप बंद किया, आपको आप भी पिटते हैं, अरे हम कब पीटन है, हम कहा, अरे औरतें का मालूम कर लो, मालूम कर लो, जवान जवान लड़की देखो कैसे चल रही, कैसे घूम रही है, बेशरम हो गई है, जवान जवान लड़की बेशरम हो गई, घर का ना पलटा नहीं, ना भाई के कदर नहीं, ना बाप का कदर नहीं, ना चचा का कदर नहीं, ना नाना का कदर नहीं, ना मामू ना बहू के कदर नहीं, है दम बेकार हो गए, और ये लड़की के तब सब पे तब चढ़ा दिन, है कहा ना बताए, जो बात हो रही वही हो नहीं, पर छाए बंद करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब रोजगार चालू होगा, रोजगार चालू हो गया समझे, तो कुछ नहीं गड़बड़ होगा, पहले धंधा देखो, धंधा चालू करो, हाँ सरकार चालू करो, खाएगा ना दे, ये खाएगा ना दे, जब पैसा रहेगा तब खरीद हो जाइयो, क्या करते हैं जो पैसा नहीं आ रहा, क्या क्या करते हैं, धंधा बंद हो गया, क्या करते हैं, अरे जो धंधा था बंद हो गया, धंधा था सामाना बेचते तो बंद हो गया, गाँव गाँव में सब बंद हो गया, सारी रोजगार खत्म, साड़ी का बाजार खत्म हो गई, साड़ी बाजार चालू करो, साड़ी बाजार चालू हो जाएगा, देखो ना, फिर इनका तालीब होगा, फिर इनका भी नाम नाम होगा, हाँ यही जीते जाएंगे, और देते जाएंगे, रोजगार चालू कर दो, सबसे बढ़िया साड़ी जो बाजार है ओके चालू कर दो, देखो मालूम हो जाएगा अभी, मगर यहाँ देखिए साड़ी की इतनी सारी दुकानें हैं, माधवपुर जाके देखो, माधवपुर जा देखो ना, हाँ माधवपुर घुसने है, कह रहे कि रोजगार खत्म हो गया, सरकार खत्म हो गया, हाँ रोजगार इनके लिए खत्म हुआ है, कहाँ रोजगार खत्म हुआ, दिल्ली की तरफ पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी सब फ्री दे दे, बाकी देश जो जो जवान है वो लोग एकदम ऐसे रहे, आपको सिर्फ फ्री चाहिए, आपको घर नहीं मिला, आपको तब किसको, तब कहिए किसको चाहिए बताओ, सोनिया गांधी जिताओगे तो किसको जिताओगे, अरविंद केजरीवाल को, तो ममता बनर्जी जिताओगे,
कि मायावती जिताओगे कि अखिलेश को जिताओगे, तो किसको जिताओगे? जो अच्छा करे। अरे अच्छा नहीं कर रहा तब क्या कर रहा है भाई? आपको सिर्फ फ्री चाहिए यार, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी चाहिए। अरे जाओ पढ़ो लिखो, कितना पढ़ा लिखो, चलो मैं दिलवाता हूँ 15,000, 20,000, 25,000 नौकरी। 100 साल हो जाए क्या? मुलायम सिंह यादव तेरा सर्टिफिकेट फ्री बनवा के दे दो, मालूम हो जाएगा। हाँ मालूम तो हो ही जाएगा, मालूम हो जाएगा। आ जाओ, कह रहे कि रोजगार खत्म हो गया सरकार में, रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन रोजगार खत्म राहुल गांधी का, रोजगार खत्म हुआ सोनिया गांधी का, रोजगार खत्म हुआ इनके अकाउंट का, रोजगार खत्म हुआ है। मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम सभी कर रहे हैं, पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, एजुकेटेड मैं नहीं हूँ। कैसे कह सकते हो भैया कि ये इसका? मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अपना कमा रहा हूँ। मैं तो नहीं बोलता रोजगार खतरे में है या हमारा धर्म खतरे में है, ऐसा तो नहीं है।